सो जो आज का सेशन है ये काफी इंटरेस्टिंग सेशन है। आज के दिन का जो सेशन है उसको शुरू करने से पहले मैंने एक दो बातें आपसे करनी चाहूंगा कि आज का जो सेशन है ये इतना इम्पोर्टेंट है ना, ये सिर्फ नशा छोड़ने में हेल्प नहीं करेगा, ये जिंदगी में आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, कोई भी बड़ा काम करना चाहते हैं, उसमें ये आपकी हेल्प करेगा। सो वो कोई भी काम हो सकता है जिंदगी में, कोई आदत बदलनी है, कुछ अचीव करना है, एनी कोई भी बड़ा टास्क जो आपने अचीव करना है उसमें ये हेल्प करेगा। जिसे कहते हैं ना एक मास्टर की सुना कभी, क्या होती है मास्टर की? हाँ, जो हर ताले को खोल सकती है। आई डोंट नो कि ऐसी चाबी असल में होती है कि नहीं होती, लेकिन जो मानसिक जगत है उसमें ये चाबी होती है, ठीक है। सो उस चाबी को कैसे इस्तेमाल करना है, वो चाबी क्या होती है, आज उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये चाबी की समझ आ गई और इसको इस्तेमाल करना आ गया तो आप किसी भी बड़े ताले को खोल सकते हो जो एक सक्सेसफुल आदमी जानते हैं, ठीक है। सो एक छोटी सी एग्जाम्पल और देनी चाहूंगा कि आपने कभी देखा है एक जो बड़ का पेड़ होता है, बरगद कहते हैं हिंदी में, और हिंदी पंजाबी में हम बोल देते हैं बोर्ड, देखा कभी? कितना बड़ा हो सकता है? बहुत बड़ा हो सकता है। थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, ये देख रहे हो, ये तो मतलब इससे भी बड़े बड़े पेड़ है। तो अगर इसका कभी बीज देखा कभी? बिल्कुल तिल से भी छोटा होता है। अगर आप इसका फ्रूट तोड़ेंगे, इसके ऊपर जो छोटे छोटे फ्रूट लगते हैं आप उसको तोड़िए तो उसके अंदर बहुत से हजारों बीज होते हैं, और वो उनकी साइज कितने होता है, राइस से भी छोटे होते हैं और तिल से भी छोटे, बहुत छोटा बीज होता है। अगर उस बीज को कोई आपके सामने रखे और आपसे कहे कि यार इसमें ना लाखों टन लकड़ी हो सकती है, तो दिमाग में आइडिया आ सकता है उस बीज को देख के? उस बीज को देख के तो कोई आइडिया नहीं लग सकता ना कि यार इसके अंदर इतनी बड़ी चीज छिपी हुई है। हाँ, बीज को देख के लगेगा कि यार ये क्या है, हाँ ये पॉसिबल नहीं हो सकता है ना। लेकिन उसी बीज को सही प्रोसीजर से अगर बो दिया जाए, उसको पूरा एनवायरमेंट मिले, तो कुछ साल में आप देख सकते हो कि उसमें वो चीज निकल आए। ऐसे ही आपको अगर मैं कहूं कि एक रेत के कण में इतनी शक्ति हो सकती है कि उससे कम से कम ये शहर उड़ाया जा सकता है, शहर नहीं तो कम से कम ये हॉस्पिटल तो उड़ाया जा सकता है, दिमाग में आता ही आइडिया? अगर मैं कहूं कि पानी से भी बम बनाया जा सकता है तो दिमाग इन चीजों को लेता नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी एटम बम का नाम सुना? एटम बम, ये हिरोशिमा एंड नागासाकी पे गिरे थे। हाँ, तो इसका लगभग वजन कितना था उस बम का? लगभग 2.5 किलो से 1.5 किलो के आसपास था। तो बर्बादी कितनी की इसने? हाँ, अब तक भी जो लोग वहां पे पैदा होते हैं, हाँ, इसके प्रभावित एरिया से, वो अभी तक भी, हाँ, नॉर्मल नहीं होते, उनमें अभी तक भी जेनेटिक दोष पाए जा रहे हैं। सो इन शॉर्ट, अगर हम मैं कहूं कि एक एटम के कण में इतनी शक्ति होती है तो सुन के समझ में नहीं आता, लेकिन आप देखें तो यूरेनियम क्या है बेसिकली, एक रेत की किस्म ही मानी जाएगी ना। सो एटम में देखो कितनी एनर्जी है, अगर एक छोटे से कण में से एनर्जी को जागृत करना आप सीख लें तो उसमें भी इतनी शक्ति है कि इस हॉस्पिटल को तो कम से कम उड़ाई जा सकता है। और पानी की बात की, पानी से बॉम बनाना एक अजीब सी थॉट लगती है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि आज के टाइम पे पानी से चलने वाली ट्रेन तैयार हो चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं, हाँ हो चुकी है, वो दिन दूर नहीं जब गाड़ियां पानी से चलेंगी। और पानी से बॉम अजीब लग रहा है आइडिया, पर लेकिन अगर आपने 10th तक भी साइंस पढ़ी है तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। पानी का अगर फॉर्मूला आपको पता हो क्या होता है, H2 होता है, हाइड्रोजन के 2 कण, ऑक्सीजन का 1 कण। हाइड्रोजन बम के बारे में सुने? तो अगर साइंटिफिक वे से आदमी के पास अकल हो, साइंटिफिक प्रोसीजर हो, तो हाइड्रोजन को अलग किया जा सकता पानी से, उससे गाड़ी भी चलाई जा सकती है और उससे बम भी तैयार किया जा सकता है। अब ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे समझिए, ये कई बार उस चीज में वो शक्ति होती है लेकिन हमें पता नहीं होता उसमें वो शक्ति है। अगर उसको सही ढंग से पहचान लिया जाए, उसको यूज करना सीख लिया जाए, तो उस शक्ति का यूज किया जा सकता है। ऐसे ही मैं कहना चाह रहा हूं आज के दिन कि आप सब में वो शक्ति है कि आप सब एक कामयाब आदमी बन सकते हैं। लेकिन वो बात अलग है कि हम उस शक्ति का इस्तेमाल करना जानते हैं
या नहीं जानते। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अपनी उस शक्ति का इस्तेमाल कर लेते हैं और बहुत से लोग हैं जो इस शक्ति का कामयाब इस्तेमाल नहीं कर पाते। एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं। इस दुनिया का जो 90% पैसा है, मान लो सारे पैसे को इकट्ठा कर लिया जाए, सारी प्रॉपर्टी को इकट्ठा किया जाए, तो उसमें से जो 90% पैसा है वो इस दुनिया के 10% लोगों के पास है सिर्फ, और जो 10% पैसा है वो 90% लोगों में डिस्ट्रीब्यूट है। कोई समझ में आ रहा है? हाँ, ये हम जैसे लोग हैं जो 90% सब बांट के बैठे हैं, और ये लोग हैं जो 90% संपत्ति को हायर किया हुआ है, इन्होंने काबू किया हुआ है। लेकिन अब ये आंकड़ा आज का नहीं है, आज से 100 साल पहले चले जाओ तब भी यही रेशो थी, आज से 1000 साल पहले चले जाओ तब भी यही रेशो थी, आज से 1000 साल बाद देख लेना दुनिया तब भी यही रेशो रहेगी। ये हमेशा से ऐसा का ऐसा ही रेशो चलती आ रही है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि इस दुनिया के राज को समझने वाले लोग बहुत कम है। जी, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिन, देखो इस दुनिया में कभी भी मौकों की कमी नहीं रही, मौके हमेशा ही उतने थे, मौके सदा ही उतने थे, उतने ही हैं, सिर्फ मौके के देखने वालों की कमी रही है। मौके उतने ही हैं, अमीर बनने का मौके जितने आज हैं शायद कभी भी नहीं थे। बस बात यह है कि उन मौकों को पहचानना, उनकी नब्ज पकड़ना बहुत कम लोगों को आता है। सो अगर हम उन राज को जान लें, उन समझ, उन जो सीक्रेट्स हैं उनको समझ लें, तो हम भी अपनी जिंदगी को कहीं भी कितना भी बदल सकते हैं। सो जो मैं कह रहा हूं इस बात को आज के दिन बड़ा ध्यान से सुनना है, और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बात को एज इट इज ही मान लो, क्योंकि मैं मानता हूं कि जब तक किसी बात को तर्कसंगत ढंग से समझाया ना जाए उसको ऐसे नहीं मान लेना चाहिए। सो मैं कोशिश करूंगा आज के दिन हर लॉजिकल ढंग से, साइंटिफिक ढंग से, आपकी जिंदगी से रिलेटेड एग्जांपल देके आपको उस चीज को समझाने की कोशिश करूं, ठीक है? सो आज का जो सेशन है इसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड का नाम सुना है? किस किसी ने सुना है ये टॉपिक? मैं फिर उसी हिसाब से डिजाइन करूंगा कितना टाइम लगेगा। सो किसी ने नहीं सुना, मतलब एक दो बंदों ने इसका नाम सुना हुआ, ठीक है? सो ये सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक किताब भी है, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की, दुनिया में बहुत मशहूर किताब है, और उस किताब के ऊपर बहुत सारी फिलॉसफी बनी है। उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया। बेसिकली अगर आप ध्यान से पढ़ोगे इस किताब को तो आपको पता चलेगा उसके बाद जितनी भी किताबें आ रही हैं वो सारी इसी किताब, मान लो उस किताब की, सब किताबों की ये माँ बोल सकते हैं, एक आइडिया यहीं से आया हुआ है वो। अब बात करते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है, क्या ये हम सबके पास होता है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इसकी पावर को यूज कैसे किया जा सकता है, आज के दिन हम इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है? सो माइंड क्या होता है? माइंड समझते हो क्या होता है? माइंड क्या होता है? माइंड दिमाग एक अलग चीज है, ब्रेन ब्रेन एक अलग चीज है, माइंड एक अलग चीज है। ब्रेन क्या है? ब्रेन होता है जो दिखता है, जो आपके दिमाग में ब्रेन तो देखा जा सकता है, लेकिन मन है ना? मन क्या है? मन एक सब्जेक्टिव चीज है जिसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। जैसे आत्मा है आपके अंदर, तो आत्मा को देखा छुआ या साइंटिफिकली कहा नहीं जा सकता ये रही आत्मा या ये रहा मन। मन एक है साइकोलॉजिकल एंटिटी है, लेकिन जो ब्रेन है वो फिजिकल है, उसको देखा जा सकता है, काटा जा सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन मन एक अलग चीज है। सो आज हम बात कर रहे हैं माइंड की। माइंड के बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारे हिस्से होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे दो हिस्सों की। एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस। एक अनकॉन्शियस भी होता है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस भी होता है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। वो मोटा मोटा हमने इसको इजी समझने के लिए दो हिस्सों में बांट लिया, एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस। कॉन्शियस क्या होता है? चेतन मन। और सबकॉन्शियस क्या होता है? अवचेतन मन, ठीक है? सो चेतन मन में क्या आता है? एनी आइडिया? देखिए प्लीज। है जी, हाँ, जो हम रोज काम कर रहे हैं, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, आसपास जो आवाजें आ रही हैं, जो देख रहे हो, सुन रहे हो, इसको देख पा रहे हो, अपने आप को सुन पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, ये सारी चीजें आपका चेतन मन करता है। जो भी डिसीजन है, जो रोजमर्रा का काम, जो भी आप कर रहे हो, जो सुन रहे हो, देख रहे हो, सब कुछ, ये जो भी आप सोच के कर रहे हो, जागृत तौर पर कर रहे हो, वो सारे काम है कॉन्शियस माइंड के काम, ठीक है? लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं
जो आप कर नहीं रहे लेकिन हो रहे हैं, वो जितने भी काम है सारे वो सबकॉन्शियस माइंड करता है। इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आपकी जो हार्ट बीट चल रही है अभी, आपकी जो सांस चल रही है, ये कौन चला रहा है? साइंस, सांस आप सोच के ले रहे हो सांस? हाँ, आप ऐसे तेज तेज ले सकते हो, कर सकते हो ना, वो जो कर रहे हो वो चेतन है, वो कॉन्शियस माइंड से कर रहे हो, लेकिन ऑटोमेटिक जो चल रहा है वो है सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, एक्चुअली वो चलता रहता है, ऑटोमेटिकली चलता रहता है। फॉर एग्जांपल आप सोच के देखिए, आपकी सांस कितनी बार आएगी, कितनी आएगी, ये आप तय थोड़ी ना कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली चल रही है। फॉर एग्जांपल आप सोच के देखिए, आप सोए हो, अगर हमारे कंट्रोल में होती सांस, हमारे हिसाब से चलती, फिर सोचो सो पाते आप कभी? कैसे कैसे हादसे होते हैं, आप सोए और आप कहो कि यार गहरी नींद में सांस लेना भूल गया, आदमी मर गया। पॉइंट समझ आ रहा है ना? आप जितनी मर्जी गहरी नींद में चले जाओ, सांस आपकी तो भी चल रही है ना मैजिक। आपके दिल की धड़कन आप थोड़ी ना चला रहे हो, ऑटोमेटिकली चले जा रही है। कौन चला रहा है उसको? बेसिकली वो सारे ऑटोमेटिक ब्रेन जिसे बोल सकते हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो सारा कुछ वहां पे अपने आप चल रहा है। आपके अंदर देखो, एक उम्र में सेक्स, ऑपोजिट सेक्स अच्छा लगने लग जाता है, अचानक से लड़कियां अच्छी लगने लग जाती हैं, है ना। जब आप छोटे थे आपको कोई फर्क नहीं था लड़का कौन है लड़की कौन है, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़े से बड़े हुए, 13 साल के 14 साल के, आपको अजीब से इंटरेस्ट जाग गए, अजीब से ख्याल आने लग गए, अजीब से थॉट आने लग गए, लड़कियों का स्कूल अच्छा लगने लग गया। सो ये किसने सिखाया? ये ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्रामिंग ऐसी थी कि एक एज पे जाके आपका जो अंदरला सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो एक्टिव हो गया और आपके इंटरेस्ट धीरे धीरे बदलने शुरू हो गए। वो कैसे हुआ? आपको लग रहा है कि शायद कोई मैजिक हुआ है, वो मैजिक मुझे कुछ नहीं है, वो नेचर का एक सिस्टम है, ठीक है। सो आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं, आप कहते यार ये बंदा मुझे अचानक से अच्छा लगने लग गया, पता नहीं क्यों मैं इसके बिना रह नहीं पाता। और ऐसे ही एक आदमी है जिसको आप कह रहे हो यार मुझे पता नहीं क्यों पर इसकी शक्ल नहीं पसंद है, भावनाएं आ गई, फीलिंग्स आ गई। सो वो आपके कंट्रोल में नहीं होती, है ना। आप कहते हो कि नहीं यार मैं चाहता हूं इसको भूलना लेकिन मैं भूल नहीं पा रहा। सो ये सारे फंडे कहां चल रहे हैं? आपके सबकॉन्शियस माइंड की खेल है। आगे और क्या चीज होती है उसमें? आपका सोना, आपको नींद आए ना आए तो ये आप थोड़ी ना तय कर रहे हो। अब कई लोग हैं सोने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं आती, ठीक है ना। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो प्रॉपरली लिंक नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट, आप देखो डिजाइनर ऑफ योर बॉडी। आपने कभी, आजकल ना डिस्कवरी भी बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोज हैं, आप देखिएगा कि बच्चा कैसे बनता पेट में, एक स्पर्म जाता है कैसे वो माँ के जो एग के साथ मिलता है, और फिर कैसे धीरे धीरे वो अंदर जाके स्टैंड होता है, वो एक जगह से जुड़ जाता है यूट्रस से, और उसके बाद धीरे धीरे कैसे एक सेल से 2 सेल 4 सेल 8 सेल 10 सेल धीरे धीरे आंखें बनती हैं, हड्डियां बनती हैं, ब्रेन बनता है। ब्रेन को आपके अंदर कौन बैठ के तय कर रहा है कि यार इस सेल की जो आपने खाया उस खाने का, इसकी हड्डी बनेगी, इसकी आंख बनेगी, इसका कान बनेगा, इसका नाक बनेगा, इसका ये रंग बनेगा, इसका कौन तय कर रहा है? कौन बना रहा अंदर बैठ के भी हाँ यार ये बच्चे का डिजाइन सही बनना चाहिए? कौन कर रहा है? सो वो डिजाइनर कौन है? वो भी नेचुरल सिस्टम है, नेचर है, वही आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली ये सब कुछ कर रहा है। माँ की छाती में कब दूध आएगा, कब उसको उससे प्यार होगा, ये सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। आपको कुछ भी लेना देना इससे नहीं है, आपको बनाने वाला भी आपका यही माइंड है। और एक बात, आपको चोट लग जाती है, आपको देखो चोट लगी, डॉक्टर ने क्या करना है वहां पे? ज्यादा से ज्यादा टांके लगा देगा। टांके लगाने का मकसद ये था कि वो जो मांस दूर दूर था उसको थोड़ा पास कर दिया जाए, लेकिन वो जुड़ता कैसे? वो जुड़ता रिपेयर तो बॉडी अपने आप को खुद ही कर रही है। हड्डी टूट गई किसी की तो हड्डी को डॉक्टर क्या कर सकता है? डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, हड्डी डॉक्टर थोड़े जोड़ेगा। डॉक्टर ने क्या करना है? प्लास्टर लगा देना, और वो प्लास्टर का मकसद क्या है कि आप अपनी बाजू हिला ना सको, ठीक है ना। सो आपकी बाजू बिल्कुल ऐसे रहेगी। तो जोड़ कौन रहा है हड्डी को? हड्डी को जोड़ने वाला आपके अंदर ही, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही इस सारी चीज को रिपेयर कर रहा है। सो इन शॉर्ट, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट बायोजेनिक फंक्शन है वो सारे सबकॉन्शियस माइंड ही चला रहा है। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट काम है जो जिसके बारे में हम अब बात करेंगे, वो कौन कौन से काम है जो सबकॉन्शियस माइंड करता है? आपका बिलीफ सिस्टम, विश्वास, आपका विश्वास, आपके जितने भी बिलीफ हैं जिसके बारे में हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे, वो सारे आपके सबकॉन्शियस माइंड का ही हिस्सा है। क्या आपके इंटरेस्ट हैं,
आपको कौन सा रंग पसंद है, आपको कौन से टेस्ट अच्छे लगते हैं, आपको किन चीजों से डर लगता है, होता है ना, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को कुत्ते से डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी, ये सारे सबके अलग अलग हैं, ठीक है। ये कहां से आ रहे हैं फियर, ये सारा फंक्शन आपका बिलीफ सिस्टम के अंदर है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने बताया इमोशंस, और क्या चीज होती है जो इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हमने सीखना है, वो क्या है, हैबिट, आदतें। कितना बार हम सोचते हैं कि यार मैंने नशा नहीं करना, फिर हो जाता है। कितना सोचते हैं कि यार मैंने अब इज्जत से बात करनी है, सबसे तमीज से बोला करूंगा, लेकिन जैसे ही वक्त आता है और मुंह से गालियां निकलने शुरू हो जाती हैं, हो जाता है कि नहीं हो जाता है। सो जितनी भी आपकी आदत है, ठीक है, नहाने की, धोने की, खाने की, पीने की, ठीक है, सोने की भी, मैं इतने बजे उठ सकता हूं, मैं इतने बजे नहीं उठ सकता, ठीक है। सो ये सारी खड़े होने की आदतें, इवन के आप देख रहे हो कई दिनों से मैं पीछे, वैसे लॉजिकली मैं पंजाबी बोलता हूँ नॉर्मली आम लोगों के साथ, लेकिन मैं लेक्चर हिंदी में देने की कोशिश करता हूँ, वाई है ना, कई लोग पूछते हैं क्यों मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो लेक्चर है मेरे रिकॉर्ड होने हिंदी में, और जब मैं बार बार पंजाबी में लेक्चर देता हूँ, जिस दिन मैंने हिंदी में लेक्चर देना होता है, हाँ जी प्लीज, तो उस दिन क्या होता है, फिर बीच में से मेरी पंजाबी निकल जाती है, वो हैबिट है ना। तो अब मैंने धीरे धीरे अपनी आदत डेवलप की है कि लेक्चर हिंदी में देने की। उसका कारण क्या है कि जो पंजाबी है वो सिर्फ पंजाबी लोग सुन पाते हैं, जो लेक्चर रिकॉर्ड होते हैं वो मतलब बाहर की ऑडियंस भी सुन सके जो हिंदी लैंग्वेज है। सो कहने का मतलब ये है कि मुझे हिंदी बोलने की प्रैक्टिस कई दिन करनी पड़ती है, तो जाके मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाता हूँ, क्योंकि हिंदी बोलना मेरी नेचुरल आदत में शामिल नहीं है। सो होता क्या है, ये सारी आदतें कहाँ हैं, आपके ऑटोमेटिक सिस्टम में। सो ये सारा सिस्टम की कोई भी हैबिट है वो सारी सबकॉन्शियस माइंड में है। आगे डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सी आदत है। फॉर एग्जांपल मैं बाद में करूंगा, ठीक है, प्रोटेक्टिव रिएक्शंस, आग में हाथ गया और अचानक से आपने ऐसे ऐसे किया, वो सोच के किया आपने, वो ऑटोमेटिक हुआ, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स था, बाद में सोचते ये क्या हो गया। आपके सामने अचानक से सांप आ जाए तो आपको सोच के छलांग नहीं लगानी पड़ेगी, आप अपने आप ही आप मारोगे छाल वहां से। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका बाद में, कई बार तो हम बाद में सोचते हैं तो नकली था, आपके सामने ऊपर कोई नकली कॉकरोच फेंक दे या नकली सांप फेंक दे, तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं उस टाइम, हम एकदम से डर जाते हैं और भाग लेते हैं वहां से, और बाद में देखते हैं वो यार तो नकली था, होना क्या चाहिए था, अगर कॉन्शियस होता तो हम पहले देखते असली है कि नकली, फिर भागते। बट बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करते, वो आपको सोचने नहीं देती, जैसे ही रिस्क होगा आपका शरीर फटाफट भागेगा वहां से। सो वो सारा कुछ, जो सारी सिस्टम है, वो सारा ही आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। इवन के इमेजिनेशन, कई राइटर देखे होंगे, वो कहते हैं कि यार ये मैंने लिखा नहीं, ये तो मुझे लगता है उतरा है कहीं से। वो सारी जो सृजन शक्ति है वो आपकी कहां से आती है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से आती है। और एक चीज, इंट्यूशंस, कई बार आपको लग रहा होता है यार कुछ अच्छा होने वाला है, आई डोंट नो बट मुझे अच्छा लग रहा है, कुछ होने वाला है, और आपको गुड न्यूज मिल जाती है। और कई बार होता है वैसे ही लगने लग जाता है यार कुछ गड़बड़ है, कुछ खराब होने वाला है। कई लोगों की तो बहुत ज्यादा होती है, जो अंदर से जुड़े होते हैं ना, उन लोगों को तो इतनी इंट्यूशन होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, आई डोंट नो बट क्या, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सो वो हो जाता है। तो वो इंट्यूशन क्या है, जो आपको आने वाले टाइम के बारे में बता रही है, वो सारा सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा। अब आपको समझ आ रहा है ये कितना इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी एग्जांपल और देता हूं। अक्सर आपने सुना होगा कि आदमी अपने 10% दिमाग का ही इस्तेमाल कर पाता है, 90% का हम इस्तेमाल नहीं करते। किसी ने सुना ये बात, बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं मैगजीन में, कहीं ना कहीं अगर कोई पढ़ने के शौकीन है, कहीं ना कहीं ये डायलॉग सुना होगा कि हम अपने 10% दिमाग का ही इस्तेमाल कर पाते हैं, 90% जो दिमाग है, 90% उसका हम यूज ही नहीं करते। वो 90% ब्रेन क्या है, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। 10% क्या है, वो जो आप अपना हाथ हिला लेते हैं, सिर हिला लेते हैं, पैर हिला लेते हैं, सोच लेते हैं, ये सारा कॉन्शियस माइंड है। लेकिन ये कितने परसेंट है, ये सिर्फ 10%। आप अपने बारे में अब तक क्या जानते हो, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता, दैट इज जस्ट 10%। आप क्या कर सकते हो आपको आइडिया भी नहीं, आप कहां तक जा सकते हो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है, क्लियर हो रहा है, वो दिख रहा है ये आइस टिप। एक्चुअली आइसबर्ग की एग्जाम्पल ली जाती है, ये तो बहुत बराबर सही लग रहा है पिक्चर में, लेकिन रियलिटी क्या है कि ऊपर सिर्फ 10% है, ऊपर इतनी सी नोक है, बाकी सारा कुछ नीचे ही है, जिसके बारे में आपको आइडिया भी नहीं। अब ये बातें बताने के पीछे मकसद क्या है, इसके पीछे मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आप चाहते हो कि आपका बिहेवियर परमानेंट चेंज आ जाए, अगर आप चाहते हो कि टेम्परेरी चेंज आए, तो आप कॉन्शियस माइंड से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक दिन जल्दी उठना है,
आपने टिकट ले रखी है, आपको पता है यार मैंने जाना है, तो एक दिन आप जबरदस्ती उठ जाओगे। लेकिन रोज उठना अपने आप में मुश्किल काम होता है, ठीक है। सो एक दिन या दो दिन का काम अगर आपने करना है, टेम्परेरी चेंज करना है, तो सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड काफी है, तो आप वहां से जबरदस्ती कोई भी काम अपने आप से करवा लेते हो, दैट इज कॉन्शियस। लेकिन आप चाहते हो कि ये चीजें अपने आप हों, जैसे मुंह से गाली निकल जाती है, या जैसे आप कोई भी आदत है, कोई भी बुरी आदत है, कोई भी आदत है अच्छी बुरी, वो अपने आप हो जाती है। अगर आप चाहते हो ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाए, तो आपको काम करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म जो चेंज है, परमानेंट चेंज है, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा अपने सबकॉन्शियस माइंड में। अगर आपने ये सीख लिया कि सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, नवी आदतें कैसे डेवलप की जाती हैं, नए विश्वास कैसे बनाए जाते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हो इस दुनिया में, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं।